हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एयरसंस गिफ्ट एंड पेंटिंगम में। और इस बार जो मैं आपका वीडियो लेकर आया हूँ, ये मोबाइल के बैक कवर पे स्टिकर्स कैसे लगाते हैं या कटिंग कैसे करते हैं, उस पर लेकर आया हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा डिज़ाइन है जिसको आज मैं अपने प्लॉटर से कटिंग करूँगा। और जो मेरा प्लॉटर वो इसका एकड़ का C24 है। तो ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं, ये मैंने A4 पेपर पर ले रखा है। तो इसको मैं ऊपर सेट कर देता हूँ पहले। तो ऊपर ज़्यादा भी आपको सेट नहीं करना है, जब मतलब प्रिंट निकले तो कट जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है। और जो मैंने साइज़ लिया है, ये बड़ा लिया है। बाकी का मैं आपको अपना प्रिंटर भी दिखा देता हूँ। मेरा कैनन का 3010 इंकजेट प्रिंटर है। और ये जो सीट है, ये मेरी ग्लॉसी विनाइल सीट है, जिस पर प्रिंटिंग का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो इसको मैं पहले प्रिंट कमांड देता हूँ। प्रीफ्रेंस गए, यहाँ फोटो प्रिंटिंग में हमें क्लिक कर देना है, बॉर्डरलेस आपको हटा देना है, और यहाँ पर A4 सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो जब तक हमारा ये प्रिंटर ने प्रिंट कमांड ले लिया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने ये मोबाइल कवर का साइज़ कैसे लिया था। तो ये मैं वापस अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे करना है। तो आपने अगर मोबाइल के टेम्पलेट्स वगैरह, जब आपने ये सॉफ्टवेयर लिया होगा, तो उसमें टेम्पलेट्स वगैरह मोबाइल के सारे आते हैं, तो उनको कैसे यूज़ करना है, तो वो तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं पूरा ये अंडो कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये पहले ये सारी फाइलें मिली होती हैं। आप जब आप सॉफ्टवेयर लेंगे, तो जब ये सारी फाइलें मिलेंगी, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। मेरा जो मोबाइल है वो रेडमी का, तो ये रेडमी का पूरा इस प्रकार से टेम्पलेट बन गया था। तो आपको कॉपी पेस्ट कर देना है फ़ोटो, कंट्रोल एंड करके इसको बैक कर दिया मैंने। और इसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है आपके कैमरे के कितना ये दूर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये फ़ोटो ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा, जब हम जैसे कटिंग मार्क देते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटे और अच्छा भी कटे। तो प्रिंट भी हमारा निकल चुका है। तो ये प्रिंट की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी आई है। ये हमारी स्टिकर विनाइल सीट है। अब इसको मैं अपने स्काई कट प्रिंटर पर ले जाता हूँ। ये मेरा दूसरा PC है इधर। जो ये आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, ये फ्लेक्सी प्रो है। तो यहाँ आपको साइज़ डाल देना है, जो आपके मोबाइल के कवर का भी आपने कोरल में जो साइज़ देखा था, वही साइज़ इधर डाल देना है। ये हमारा स्काई कट का C24 प्लॉटर है। तो यहाँ मैं अपना स्टिकर मैंने ऑलरेडी लगा दिया, ये आप देख सकते हैं। बाकी का मैंने ये अलग सॉफ्टवेयर में डाला है, क्योंकि प्लॉटर मेरा अलग कनेक्ट था। और जब आप चलाएंगे तो आपका एक ही कंप्यूटर से सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। तो अभी मैं सिर्फ ये कटिंग मार्क चेक कर लेता हूँ कि मशीन मेरा कितना कटेगी इसको। तो यहाँ से एक और बार मैं चेक कर लेता हूँ कि जो प्लॉटर कटिंग करेगा वो कितना करेगा। तो प्लॉटर ने भी कटिंग स्टार्ट कर दिया है। तो मैं बाकी का वीडियो आपको प्रॉपर जब कटिंग हो जाएगा उसके बाद का दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा कटिंग निकला है। तो कटिंग आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा करा है। अब आगे का मैं आपको जब कटिंग हो जाएगा उसके बाद का दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तो जो फ़ोन पर लुक आया वो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से कटिंग करा हुआ है। वैसे कटिंग जो करा था वो थोड़ा ज़्यादा करा था, मतलब साइड से भी विनाइल लगा हुआ था, लेकिन वो मैंने हटा दिया क्योंकि वो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और बाकी की फिनिशिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो क्वालिटी आप देख सकते हैं, फोटो काफ़ी अच्छी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।